भारत सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि सीमा पार नदियों के प्रबंधन के लिए 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग करने वाली जनवरी में भेजे गए पत्र का पाकिस्तान ने जवाब दिया है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को दी गई। विश्व बैंक की ओर से भारत और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजनाओं पर पाकिस्तान की आपत्तियों को दूर करने के लिए एक पारस्परिक रूप से सहमति तरीका खोजने के लिए कहा गया है। इसके बावजूद इस्लामाबाद ने भारत के साथ किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। इसके कारण भारत को पाकिस्तान के लिए एक नोटिस तैयार करना पड़ा था। पाकिस्तान ने कहा कि वो सद्भावना से संधि लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदन बागाची ने कहा है कि हम अभी भी पत्र की जांच कर रहे हैं। पाक अधिकारियों ने कहा है कि संधि के अनुच्छेद 12 के तहत मौजूदा संधि तब तक जारी रहेगी जब तक कि विवाद के पक्ष भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय रूप में समझौते में बदलाव नहीं करते। भारत ने जनवरी में 1960 के सिंधु जल समझौते में संशोधन के लिए संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत पाकिस्तान को नोटिस जारी किया था। दरअसल भारत चाहता था कि इस मुद्दे को किसी विशेषज्ञ के पास भेजा जाए, लेकिन पाकिस्तान इससे लगातार इनकार करता रहा। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी। संधि के तहत सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का पानी भारत के हिस्से में आता है और सिंधु, झेलम और चेनाब नदी का पानी पाकिस्तान के हिस्से में। आपको बताते चले कि इस समझौते के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के जल आयुक्त साल में 2 बार मुलाकात करते हैं। इसके अलावा वर्तमान में पाकिस्तान की हालात कैसी चल रही है इसके बारे में आपको खूब जानकारी है। आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान और इसके लिए वो पूरी दुनिया की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। वहां पर सियासी समीकरण भी गड़बड़ हो चुके हैं। वर्तमान सरकार और पूर्व सरकारों में टकराव की स्थिति देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ये स्थिति चीन पर अति विश्वास जताने की वजह से हुई है। पाकिस्तान में बन रहे पाक चाइना कॉरिडोर को लेकर हाल ही में पाकिस्तान के स्थानीय निवासियों ने जमकर हंगामा काटा था, जिसके बाद स्थिति अनियंत्रित हो गई। मगर पाकिस्तान के स्थानीय प्रशासन ने सूझबूझ से मामले को सुलझा दिया। बहरहाल सिंधु जल संधि के लिए पाकिस्तान का तैयार होना कानून का सिकंजा कहें या फिर पाकिस्तान की बदतर हालत, ये तो कमेंट कर आप ही बताइए। लेकिन कहानी जो कुछ भी है भारत के पक्ष में है। अगर आप भारत से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय हमें बताएं। ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए, हालांकि वो बुरे समय में हमारे साथ बुरा बर्ताव ही करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।